Hello, I'm Charlie Verma, part of your Samarth community, a community that aims to help you live your senior years fully and well. अब senior years में हम सबके साथ ये बीमारी हो जाती है कि हमारे साथ कोई बात नहीं करता. हम चाहते हैं कि सब हमारे साथ बात करें, हमारे साथ मिलते जुलते रहें. हैरानी की बात तो ये है कि हालांकि हम ये सबसे चाहते हैं, हम अपने आप से भी ये खुद नहीं करते, क्योंकि आप ये भूल जाते हो या आपको शायद इस बात का एहसास नहीं है कि आपकी बॉडी के हर अंग को भी आपसे बातचीत चाहिए. वो चाहता है कि उसको एक्नॉलेज करें, उससे बात करें, उसको एक्सरसाइज कराएं. हम इस बात को भूल जाते हैं. फिर जब हम उससे यारी दोस्ती छोड़ देते हैं तो वो अंग फिर हमें तंग करने लगता है. इसी तरह हमें हर अंग के बारे में हम आपके साथ मिल के एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे. आज पहली वीडियो करेंगे हम स्पाइन के बारे में. तो आज हम कुछ चेयर पे बैठ के स्पाइन की एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप में से कई लोग बाहर जाके ज़्यादा गूढ़ी एक्सरसाइज नहीं करना मांगते. आप चाहते हो घर के एयर कंडीशन कंफर्ट में ही एक्सरसाइज हो जाए. तो इसलिए हम आपको एक छोटा सा रूटीन देंगे अपनी स्पाइन के लिए, जिसका नाम हम रखेंगे चेयर योगा. तो सबसे पहले हम अपने कमरे में एक चेयर का बंदोबस्त करेंगे और फिर उसके ऊपर आराम से बैठ जाएंगे. अब देखिए, हमें बैठते समय ये देखना है कि चेयर की हाइट ऐसी हो ताकि हमारे पांव जो हैं वो फर्मली ज़मीन पर बैठ जाएं. जैसे अभी मेरे पांव हैं, दे आर इन द शेप ऑफ 11, यू कैन रीड 11 फ्रॉम देम. उसको वैसे करना है. और ज़रूरत पड़े तो आप चेयर के अगले हिस्से एज पर बैठें, ताकि आपकी स्पाइन सीधी रहे, गर्दन ऊपर रहे, आप ऊपर सामने देख रहे हो एकदम. जब आप इस पोजीशन पे आ जाओगे, अपने आप को कंफर्टेबल फील करिए. अब सबसे पहले जब हम ऐसे करते हैं तो हम अपने आप को स्टिफ कर लेते हैं. नहीं, अपनी बॉडी को इरेक्ट पर सॉफ्ट रखना है. और इसके लिए क्या करना है, हम आराम से सांस लेंगे. मेरे साथ मिल के अब हम सब नाक से इनहेल करेंगे और उसके बाद मुंह से एक्सहेल करेंगे. फिर से एक बार, फिर से अब हमें अपनी स्पाइन को बताना है कि हम उससे बात करना मांगते हैं. तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे हम हैंडशेक करते हैं उसी तरह अपनी स्पाइन को थोड़ा शेक करिए, नीचे से लेके ऊपर तक थोड़ा बहुत शेक करते रहिए. स्पाइन को पता चले भी आज उसकी बारी है, उसके साथ दोस्ती होने वाली है. हल्का हल्का मुस्कराते हुए, ओ जब हम ऐसे कर रहे हैं तो ये अपना सांस लेना मत भूलिए, सांस को मत रोकिए, सांस चलाते रहिए. देखा, मैं भी रुकने लगा था जब सांस लेने लगा जोर से. तो आपको सांस और शेकिंग साथ साथ करनी है. ओके, अब हमने अपनी स्पाइन को याद करा दिया कि हम उसको याद कर रहे हैं. तो अभी हम अपने शोल्डर्स को स्ट्रेच करेंगे. इसके लिए अपने दोनों हाथ मिलाइए और उनको ऐसे मोड़ते हुए ऊपर ले जाइए. ऊपर ले जाके उनको हाथों को देखिए. अब अपने शोल्डर्स को और खींचिए ऊपर, जैसे कि आप अपने शोल्डर्स को सॉकेट से बाहर निकालना मांगते हो. ओ मैं सांस लेना भूल गया, आप भी मत भूलिए, सांस लीजिए. अब अपना हाथ आहिस्ता से फिर से वापस ले आइए नीचे. हाथ नीचे रख के उसको फिर हाथ को नीचे छोड़िए. थोड़ा झटका दीजिए अपने बदन को भी, स्पाइन को भी, हाथों को भी, ताकि आपका ब्लड जो थोड़ा सा रुका हुआ था फिर से आपके फिंगर टिप्स पे पहुंच जाए, फिर से चले. चलिए अब हम अपना इस एक्सरसाइज का अगला हिस्सा देखते हैं, जिसके अंदर अपनी स्पाइन को साइड स्ट्रेचेस कराएंगे. फिर से अपने हाथ वैसे ही मोड़िए, लॉक करिए और उनको घुमाते हुए ऊपर ले जाइए. ऊपर ले जाके आपने अपने पूरे, अब देखिए मेरे हाथ जो है ना एकदम सीधे नहीं होते, तो आप लोग सोचोगे कि ये क्यों नहीं सीधा कर रहा. तो
तो इसलिए टू मेक इट, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, मैं कन्वीनियंस के लिए अपना हाथ अब थोड़ा शिफ्ट करके ऐसे रखूँगा। अब आपके दोनों हाथ सामने ऊपर होने चाहिए। अब हम अपनी बॉडी को लेफ्ट की तरफ स्ट्रेच करेंगे और गर्दन को ऊपर घुमा के सीलिंग की तरफ देखेंगे। देखिए आपकी बॉडी पूरी स्ट्रेच हो रही है, आपकी मसल्स स्पाइन की आसपास सब स्ट्रेच हो रही हैं। अब यहाँ थोड़ी देर रोक के सांस लेते रहना और इसके बाद फिर हम अपनी स्ट्रेचिंग को बाउंसिंग कराएंगे। ऐसे 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 ऐसे। अब जब हम ये कर रहे हैं तो देखो आपके पीछे की मसल्स में क्या फ़र्क पड़ रहा है, उनको पता चल रहा है कि आप उनको याद कर रहे हो। अब स्लोली सामने आइए और यही चीज़ स्लोली राइट साइड पे करेंगे। राइट साइड पे आइए और गर्दन फिर से सीलिंग की तरफ, फिर स्ट्रेच कीजिए जितना कर सकते हो और उसके बाद फिर बाउंसिंग, बार बार बाउंस बाउंस बाउंस, और ऊपर देखते रहो और सांस लेते रहो, बाउंस बाउंस बाउंस। उसके बाद आहिस्ता से ऊपर आइए और फिर आहिस्ता से अपने हाथ नीचे। हो सांस लेना मत भूलिए, सांस लेते रहिए और अपने हाथों को फिर से झटका दीजिए ताकि आपका ब्लड फ्लो वापस फिंगर टिप्स में पहुंच जाए। अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज करते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर हम लेग स्ट्रेचेस भी करेंगे जिससे हमारे स्पाइन के ऊपर असर पड़ेगा। तो इसके लिए आप अपने पाँव को आगे ले आइए और अपने हील को ज़मीन पे लगने दीजिए, टोज ऊपर रहें कोई बात नहीं, आप कुर्सी पे थोड़ा और आगे हो जाए। हाँ, अब हम अपने हाथ लेके अपने टोज को टच करने की कोशिश करेंगे। टोज की ज़रूरत नहीं है, टोज तक नहीं पहुँचते कोई बात नहीं, एंकल तक पहुँच जाओ, काफ तक, जहाँ तक हो सके। ज़बरदस्ती नहीं करनी और दर्द नहीं लाना। आहिस्ता से हम अपने टोज की तरफ जाएंगे। टोज नहीं टच होते कोई बात नहीं, थोड़ी देर वहाँ रोकेंगे और सांस लेते रहेंगे। उसके बाद फिर से हम बाउंसिंग करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। पीछे देखिए आपकी स्पाइन की मसल्स को कितना मज़ा आ रहा है, उनको पता चल रहा है कि आप उनको याद कर रहे हो। जी हाँ, बहुत अच्छे कर रहे हैं आप, करते रहिए ऐसे। अब अपनी गर्दन को भी नीचे कर दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। अब अपने हाथ भी ढीले छोड़ दीजिए, बॉडी भी ढीली छोड़ दीजिए। अब थोड़ी देर नीचे रख दीजिए और लंबी सांस लो और मुंह से निकालिए। फिर से आहिस्ता से स्लोली ब्रिंग कम बैक टू योर ओरिजिनल पोजीशन एंड गिव योर स्पाइन सम रेस्ट, शेक योर हैंड्स, पुट योर फीट बैक ऑन द ग्राउंड, रिलैक्स, इनहेल एक्सहेल, डू नॉर्मल ब्रीदिंग। अब एक्सरसाइज के अगले हिस्से में चलते हैं जिसके अंदर हम अपने नेक पोर्शन को एक्सरसाइज कराएंगे। इसके लिए हाथ अपने थाइस पे रखिए और अपनी जो नेक है उसको स्लोली हम अपनी लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, जैसे हम अपना कान जो है शोल्डर पे टच कराना मांगते हैं। टच तो होगा नहीं पर कोई बात नहीं, वहाँ तक लेके जाइए जितना ले जा सकते हैं। अब वहाँ पहुँच कर अब अपना बायां हाथ अपने सिर के ऊपर ऐसे रखिए और थोड़ा सा प्रेशर दीजिए अपनी नेक को ताकि वो और थोड़ा नीचे आ जाए। जैसे ही आप करेंगे आपको लगेगा भाई हाँ, हमारी स्पाइन को कुछ फ़र्क पड़ रहा है, उसको पता चल रहा है नीचे वाले हिस्से में कि कुछ उसके साथ हो रहा है। थोड़ी देर इसको यहाँ पर रखिए, लंबा सांस अंदर और फिर बाहर, फिर एक सांस अंदर फिर बाहर। अब स्लोली हम अपना हाथ नीचे ले आते हैं और अपनी गर्दन फिर से आगे सीधे ऊपर।
अब यही काम हम राइट साइड में करेंगे। अब अपने गर्दन को राइट साइड में नीचे ले जाइए ताकि वो कंधे के पास आने की कोशिश करे आपका कान। अब अपना राइट हैंड सिर पे ले जाइए और उस पर थोड़ा प्रेशर लगाइए। जैसे ही आप प्रेशर लगाते हैं आपको अपनी स्पाइन पे भी फ़र्क पता चलेगा। नोट करिए आपकी स्पाइन आपसे कैसे बातें कर रही है। फिर से आप सांस लीजिए अंदर फिर बाहर, फिर से अंदर फिर बाहर, फिर स्लोली अपनी नेक वापस अपनी जगह पर, हाथ नीचे। अब नेक को हम आगे ले जाएंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, नेक को स्लोली आगे ले आइए और अब दोनों हाथ सिर पे पीछे रखिए और फिर उसी तरह से प्रेशर दीजिए। देखिए आपकी स्पाइन भी बताएगी कि उसको कुछ हो रहा है, कुछ गुदगुदी हो रही है। सांस लेना मत भूलिए, सांस लेते रहिए। एक सांस लंबा अंदर फिर बाहर निकालिए, फिर अंदर फिर मुंह से बाहर निकालिए। अब हम गर्दन को, हाथ को ऐसे रखेंगे कि वो उनको पैरेलल बना दीजिए और गर्दन को पीछे ले जाइए। आंखें खोलिए और अपनी सीलिंग देखने की कोशिश कीजिए। देखिए आपके स्पाइन पे, पीठ पे कैसा असर पड़ रहा है इन सब चीज़ों का। फिर से सांस अंदर लीजिए फिर बाहर, फिर अंदर फिर बाहर, फिर स्लोली अपने गर्दन को वापस अपनी जगह पर ले आइए और अपने हाथ नीचे ले जाइए। अब आपने अपनी स्पाइन से बातें की हैं तो एंड में उसको थोड़ा सा फिर से हैंडशेक करेंगे, फिर से उसको शेक करिए, नीचे से ऊपर तक शेक करिए, अपने हाथ को मिलाइए, अपनी बॉडी को लूज छोड़ दीजिए। अब हाथों के साथ ऐसे ऐसे शेक करते रहिए, देखिए आपका बॉडी पूरा रिलैक्स हो जाएगा और आपकी स्पाइन को पता चल गया कि आपने उसके साथ फिर से दोस्ती कर ली। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। वेरी सून विल बी बैक विद यू फॉर द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा। हम बहुत रेगुलरली मनी मैटर्स, हेल्थ और एंटरटेनमेंट पर सीनियर सिटीजंस के लिए एक्सक्लूसिव वीडियोस रिलीज करते हैं। यदि आप हमारे नए वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।